हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे एक यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एलईडी मैट्रिक्स क्लॉक बनाना सिखाऊंगा। ये एक इंटरनेट क्लॉक है जो टाइम और डेट दोनों बताएगा, डे भी बताएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सर्किट है, बहुत ही स्मॉल सा। आप देख पा रहे होंगे एक ये पीवीसी पाइप जो होता है उसका यूज़ करके मैंने पूरी क्लॉक बनाई। देखिए, इसमें एक बैटरी भी है, यहाँ पर नोड एमसीयू लगा हुआ है, ये जो है इसका चार्जिंग केबल है, को हटाया, पावर ऑफ हो गया, अभी बैटरी चार्ज नहीं था, ठीक है। ऊपर एक स्विच दिया है ऑन ऑफ के लिए, और देखिए कैसे काम करता है बताया। तो हम सबसे पहले तो इसको कैसे बनाया, इसके लिए मैं बता दूं, हमने ये 4:1 एलईडी मैट्रिक्स लिया है, एमएक्स 7219 वाला, और इसमें एक लिथियम आयन बैटरी है, ये एक पाइप है, आप देख सकते हैं पीवीसी पाइप है, जिसको वन साइड से कट कर दिया और हीट करके इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया। इतना चौड़ा करना है कि इसके अंदर ये मैक्स 72 का जो मॉड्यूल है, 4 वाला, 4 एलईडी मैट्रिक्स वाला, ये लग जाए, ठीक है। ये इस तरह से इसमें फिक्स हो जाएगा। इसको हमने जो है नोड एमसीयू के थ्रू बनाया है, तो नोड एमसीयू प्रोग्राम करना मैंने आपको सिखा ही रखा है। मैं आपको बता दूं कि नोड एमसीयू के लिए एक स्पेशल चैनल बनाया है जिसकी प्रोग्रामिंग मैं उस पर दिखाता हूं। उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ IoT और इस नोड एमसीयू के बारे में आता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से छोटी सी बॉडी में बनाया है, पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा ये इस पीवीसी पाइप की बॉडी में, और ये एक इंटरनेट क्लॉक है इसलिए नोड एमसीयू यूज़ किया है। आई होप पसंद आएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आप देखिए इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये हमारा नोड एमसीयू, हमारा प्यारा नोड एमसीयू, बहुत ही छोटा, बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता, और इस पर लगभग सारे IoT प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम 5 वायर्स लेंगे। देखिए, ब्राउन वाले को मैं VCC पर कनेक्ट कर रहा हूँ, ये 3.3 वोल्ट का है, जो इस मैक्स 72 का जो मॉड्यूल है उस तक पावर सप्लाई ले जाएगा। ब्लैक वाले को मैं यहाँ पर ग्राउंड पर सोल्डर कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ रखा और मैं सोल्डरिंग आयरन से इसको सोल्डर कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास 3 वायर और बचते हैं, ठीक है। 3 वायर जिनका कलर आप देख सकते हैं, रेड है, ऑरेंज है, और है हमारा येलो, ठीक है। तो हम रेड को जो है 8 पर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो D8 है इस पर रेड वाला वायर कनेक्ट किया, बताऊंगा कौन सा वायर कौन सा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल रेड वाला D8 पर किया है। ये ऑरेंज वाला जो है इसे हम D7 पर कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑरेंज वाला वायर है डाटा इन का वायर है, जो यहाँ से नोड एमसीयू से डाटा को ले जाएगा हमारे शिफ्ट रजिस्टर वाला जो मॉड्यूल है, मैक्स 72 वाला एलईडी मैट्रिक्स डिस्प्ले, उस तक, ठीक है। और ये जो येलो वायर है इसे हम D5 पे कनेक्ट कर देंगे, चिप सेलेक्ट का जो है वायर है, ठीक है, CS। और रेड वाला जो है वो क्लॉक का है, ओके। तो केवल ये 5 वायर्स हमको यहाँ पर जोड़ने थे। अब इसका जो दूसरा एंड है, इन 5 वायर्स का, इसको हम जोड़ देंगे इस एलईडी मैट्रिक्स बोर्ड पर, ठीक है। तो ये हमारा मैक्स 7219 का 4-in-1 एलईडी मैट्रिक्स बोर्ड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनपुट के वायर्स है, और उधर जाके आउटपुट के आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, है ना। 4 मॉड्यूल का ये है, 4 मॉड्यूल और भी लगा सकते हैं। चलिए, तो सोल्डर कैसे करना है आइए समझिए। हमने जो है ब्लैक को तो ग्राउंड के लिए रखा था, राइट। तो हम यहाँ पर ग्राउंड पर जो है ब्लैक वायर सोल्डर कर देते हैं यहाँ पर, ओके। और ब्राउन वायर जो है हमारा नोड एमसीयू से लेकर आ रहा था 3.3 वोल्ट, तो ये ब्राउन वायर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं इसके VCC में, जो इसको पावर सप्लाई देगा, ओके ओके। तो इसको हमने यहाँ जोड़ दिया। अब हमारे पास जो वायर बचे हैं वो है ये 3 वायर, और इसके अंदर मैं बता दूँ ऑरेंज जो है वो डाटा इन का है, तो मैं इसको यहाँ पर, देखिए जहाँ डाटा इन लिखा है, मैं यहाँ पर इसको सोल्डर कर दूँगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कौन सा वायर आ रहा है अगला, अगर क्लॉक पिन है तो उस पर रेड लगाना है, और CS की पिन है तो उस पर येलो लगाना है, आप जानते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था, यहाँ देखिए अभी जो ये रेड वाला है ना D8 के ऊपर है, तो ये जो रेड वाला क्लॉक का है, और इसको हम यहाँ पर क्लॉक पर रख कर सोल्डर कर देंगे, ओके। और जो येलो वाला वायर है वो CS का वायर है चिप सेलेक्ट का, उसको हम चिप सेलेक्ट पर सोल्डर कर देंगे, ओके।
तो एक बार ये वायरिंग हमारी पूरी हो गई है और अब चलते हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, इसको प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, इनको हमने अच्छे से सोल्डर कर दिया। वायर के ऊपर आप चाहे तो ग्लूगन लगा लें थोड़ा सा, उससे क्या होगा कि वायर जो इसमें खींच के टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो बहुत ही छोटा है, इसको हम ऐसा बनाएंगे कि जस्ट इसके पीछे ही चिपक जाएगा। ये छोटा सा ब्रेडबोर्ड है ना, इसको हम इसके पीछे चिपका देंगे। ठीक है, चलिए अब हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। एक यूएसबी केबल से हम जोड़ेंगे इस नोड एमसीयू को हमारे कंप्यूटर से, हमारे लैपटॉप से। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। जोड़ते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे मॉड्यूल पे लाइट डिस्प्ले हुआ है। ज़रूरी नहीं है आपके मॉड्यूल पे भी हो, कुछ डाटा इसकी मेमोरी में होगा इसलिए ये डिस्प्ले हो गया है तो ये शिफ्ट रजिस्टर ना। चलिए, ये एक फोल्डर है जो आपको डाउनलोड में मिलेगा, मेरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, उस पर ये फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर एक तो आपको सर्किट डायग्राम मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए D5 पे क्लॉक है, CS कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी वायरिंग इसमें लिखी हुई है, ऐसे ही आपको कनेक्शन करना है। अब देखिए यहाँ पर एक ऐप दिया हुआ है, ये रहा, इस ऐप को आप ओपन करेंगे। इस ऐप से क्या होगा कि आप जो है कोड अपलोड कर पाएंगे हमारे इसमें नोड एमसीयू में। ठीक है, तो इसको हमने जोड़ा है ना, तो ये एक कॉम पोर्ट पे, तो कौन सा कॉम है, मेरे केस में COM5 आया है। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पर सेम सेटिंग्स एज इट इज़ रहने देनी है और आप फाइल ब्राउज करके इसको ऐड करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट किया और ओपन करेंगे। ये वाला फाइल जो है इसी फोल्डर में रखा हुआ, ये कोड फाइल है इसका, जिसे हम बाइनरी फाइल कहते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और ओके बटन दबाएंगे। अभी एक मिनट पीछे चला गया, हाँ यहाँ पर अब हम जो है यहाँ पर ये बटन दबाएंगे और ये कोड जो है फ्लैश का बटन दबाते ही इसमें अपलोड होना शुरू हो गया। देखिए जो लाइट ब्लिंक कर रही है ना, मतलब ये जो है फ्लैशिंग हो रही है, कोड इसमें अपलोड हो रहा है। ठीक है, हमने फ्लैश बटन दबाया था। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, एक मोबाइल लेंगे और हम इसका हॉटस्पॉट ऑन करेंगे मोबाइल का। ठीक है, कब करना है, जब ये कोड पूरा अपलोड हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, लेकिन बता देता हूँ क्या क्या सेटिंग्स है। ठीक है, तो जब तक ये फ्लैशिंग चल रही है मतलब कोड इसमें अपलोड हो रहा है। ठीक है, जैसे अपलोड हो जाएगा देखिए यहाँ मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि कनेक्टिंग, ये वाला यहाँ पर डिस्प्ले जो आ रहा है ना इसको ओके कर देंगे। ओके, अब कोड इसमें डिस्प्ले हो गया है। अब ये देखिए गेटिंग डाटा, अब ये डाटा ले कहाँ से रहा है, हमने हमारे मोबाइल फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है तो उससे ये डाटा फैच करेगा और डाटा फैच करके यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। देखिए रिस्टार्ट किया तो कनेक्टिंग आ रहा है। ठीक है, तो जब ये कनेक्टिंग आए तब आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे। हॉटस्पॉट कैसे ऑन करना है और हॉटस्पॉट का SSID पासवर्ड क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए आप अपना फ़ोन लेंगे, फ़ोन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है मोबाइल हॉटस्पॉट या टैदरिंग दिखेगा, तो मोबाइल हॉटस्पॉट में जाके इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, देखिए SSID का नाम तो आप रखेंगे मनमोहन पाल, स्पेलिंग देख लीजिए, और पासवर्ड आप रखेंगे यहाँ पर 8989811397। ये नाम और नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे आपको इस वीडियो के, ये मेरे नाम और मेरे नंबर से। ठीक है, इसी को आप हॉटस्पॉट में सेट कर देंगे और अब जैसे हॉटस्पॉट ऑन करेंगे आप देखेंगे कि हमारा जो डिवाइस है वो डाटा ले लेगा इंटरनेट से। अभी देखिए रात के 9:22 हो रहे हैं। ठीक है, और मंडे है और 25 सितंबर है। ठीक है, वीडियो आज पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगा इसलिए आपको अगली डेट भी दिखाई देगी इसी वीडियो में, इसे इंटरनेट क्लॉक पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इस तरह से इजीली हमने एक क्लॉक बना दिया, लेकिन हमें तो इसको जो है PVC पाइप में फिक्स करना है, पावर बैटरी से देना है। अभी हमने इसको जोड़ रखा है हमारे लैपटॉप से। ठीक है, चलिए इसको डिसकनेक्ट करते हैं। अब इसको कोशिश करते हैं कि इसको कॉम्पैक्ट साइज़ की एक क्लॉक बना ले इस पाइप के अंदर फिक्स करके। ठीक है, तो हम लेंगे हमारा, देखिए सबसे पहले तो इसको डिसकनेक्ट किया और ये जो हमारा नोड एमसीयू है ना इसको हम इस बैटरी से पावर देंगे। कैसे देंगे, देखिए जरा जो रेड वाला वायर है ना ये पॉजिटिव सप्लाई का है। ठीक है, बैटरी से जो आ रहा है इसको हम यहाँ पे नोड एमसीयू का जो यहाँ पर पावर इन जो बटन है इस पर जोड़ देंगे, सॉरी पावर इन की जो पिन है ना उस पर सोल्डर कर देंगे। कैसे करेंगे आप देखिए। चलिए, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है, तो रेड को हम इसमें पावर इन में डालेंगे और
ब्लैक को हम यहाँ ग्राउंड से जोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट स्पीड में कर दिया है मैंने वीडियो, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आप केवल फिनिशिंग देना है, कैसे बॉडी में फिट करना। देखिए पावर देते ही इसको जो है आपको डिस्प्ले पे दिखने लग गया होगा, ठीक है, फेचिंग डाटा। अब इसको यहाँ पर चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे? ऐसा चिपकाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। और ये बैटरी है, बैटरी को हम यहाँ पर कैसे चिपकाएंगे? इसको यहाँ पर ऐसे चिपका देते हैं डबल साइडेड टेप से, ठीक है। और वायर को व्यवस्थित करके ये हमारा देखिए प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब ये हमारा इंटरनेट क्लॉक रेडी है। अब हम इसको जो है फिट करेंगे हमारे इस बॉडी में। तो इसको देखिए, ये जितनी भी वायरिंग और ये जितना भी सामान है, बड़ी सावधानी से, क्योंकि अगर वायर कोई टूट गया तो ये भी इंटरनेट क्लॉक हमारी बिगड़ जाएगी। तो इसको इस तरह से एक पाइप में व्यवस्थित रूप से इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो फाइनली हमारी क्लॉक बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ हमारा नोड एमसीयू लगा है, यहाँ बैटरी, और आप देख सकते हो ऊपर एक पावर स्विच भी है। इसका स्टैंड भी हमने बना दिया है 3 स्क्रूज लगा कर। तो ये आराम से टेबल के ऊपर एक छोटा सा टेबल क्लॉक बन गया, इंटरनेट क्लॉक, टेबल क्लॉक, ठीक है। चलिए तो अब इसको पावर देते हैं। एक पावर बैंक से मैं पावर दे रहा हूँ। पावर बैंक से एक्चुअली इसमें जो बैटरी है वो चार्ज होगी, अभी कम्प्लीटली चार्ज नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर पावर बैंक से जोड़ रहा हूँ, जिससे इसको पावर मिलेगा और इसकी बैटरी भी चार्ज होगी, ठीक है। अभी कनेक्टिंग आ रहा है, मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन रखेंगे, डाटा फेच करना शुरू करेगा, गेटिंग डाटा का मैसेज आएगा। और ये देखिए डाटा कनेक्ट होते ही यहाँ पर जो है हमारा करंट एग्जैक्टली जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा और ये चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी डाउनलोड लिंक्स है इसके डायग्राम के और कोड के, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्लॉक जो है डेट, टाइम, डे सब कुछ बताती है, मंथ भी डिस्प्ले करती है, डेट भी डिस्प्ले करती है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगला वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।